एस आर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 2:18 है। और दोस्तों, आज हमने आपसे पूछा है कि आपको बताना है, सच सच बताना है कि आप अपने पार्टनर के पेरेंट को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। अगर देते हैं तो दिल से करते हैं या मजबूरी में करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पे वैसे तो ढेर सारे बच्चे आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि आशियाना तो सबके लिए होता है, कोई भी आ सकता है, दरवाजा खुला होता है। हमारे स्टूडियो का भी दरवाजा खुला और आ गए हमारे साथ गौरव। गौरव, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लग रहा है, पूछो क्यों? क्यों सर, ढेर सारी लड़कियां जो खड़ी है। दिल की बात कह दी आपने। अरे वाह, यही दिल की बात तो हम आपसे जानना चाहते हैं। इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ आए हो। हाँ जी सर। फिर भी डर लग रहा है? दिल में घबराहट रहती है हमेशा। देखो, जहाँ चोर होता है ना, वहाँ डर होता है। अब सच सच बताओ, रिलेशनशिप में हो या नहीं? नहीं सर। अच्छा, इतने ढेर सारों में कोई पसंद नहीं आई तुमको? सर, जो पसंद आई है वो सबसे अलग है। अच्छा, वो किसी और को पसंद करती है? नहीं ऐसा तो नहीं? मे भी हो सकता है, बट हम कुछ नहीं कर सकते अभी। कोशिश तो की होगी बताने की? अपना दिल हमने पूरा अच्छे से उसको बताया, कोशिश की हमने। अच्छा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली? कामयाबी नहीं मिली। टेंशन लेने का नहीं? देखो, मेरे से भी जिंदगी में कभी लड़की पटी नहीं। जब मैं आरजे बन गया ना, तब इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां जिंदगी में आई कि पूछो नहीं, उनको देख नहीं सकते। नहीं तो पीछे से बीवी, समझ रहे हो ना? बीवी का। तो बस इंतजार करो, संतोष के साथ रखो संतोष, जरूर आपके सपने पूरे होंगे। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी। बताइए। आने वाले समय में आप शादी करेंगे, या हो सकता है जिसको आप दिल से चाहते हैं वो आपकी मोहब्बत को इकरार कर ले, है ना जी? आप उसके पेरेंट को दिल से प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे उसको, या मजबूरी में? जैसे मैं अपने पेरेंट्स को ट्रीट करता हूँ, उसी तरीके से मैं उसके पेरेंट्स को भी ट्रीट करूंगा। पक्का? हाँ जी। सच कह रहे हो? हाँ जी। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि अभी होता है कि पापा मैं जा रहा हूँ कॉलेज, तो चले गए फिल्म देखने? कभी कभार तो बनता है ना। कभी कभी बनता है, कभी कभार तो बनता है। लेकिन जो लोग पेरेंट की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनसे क्या कहोगे आप? अगर आप अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। ओके। क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो, जिसकी वजह से आप सफलता प्राप्त करते हैं। वो पेरेंट आपके हों या आपके पार्टनर के। हाँ जी। क्योंकि आशियाना तभी सुंदर बनता है, खुशनुमा बनता है, मोहब्बत की बारिश तभी होती रहती है जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहता है। यस। और बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद तभी देते हैं जब उनको रिस्पेक्ट मिलती है, प्यार मिलता है। और बड़े बुजुर्ग जब भी हमें आशीर्वाद देते हैं, जब वो दिल से देते हैं। जी। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिल से कुछ निकलने वाला है, कुछ शायरी वगैरह आपके दिल से? इस वक्त तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। नहीं, लिखा नहीं होता है, दिल से निकलता है। बस यही उम्मीद करूंगा उसे, बस पता चल जाए किसी मोड पे हम मिले। क्या बात है। चलिए, देखिए, इतना बढ़िया आपको माध्यम मिल गया आकाशवाणी का एफएम रेनबो, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, पता है आपको, फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से अलग अलग शहरों में सुन रहा है, न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं, तो आपकी दिल की बात कहीं ना कहीं उन तक तो पहुंच ही जाएगी। काश काश। रिकॉर्ड कर लो, तुम लोग जो बना रहे हो ना स्टूडियो में, इसको रिकॉर्ड कर लो, और खासतौर से लड़कियां वहां तक तो पहुंचा ही सकती हो ना, संदेश कितना तो कर ही सकते हैं। बहुत अच्छा लगा गौरव आपसे बातचीत करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्यारा सा गीत है आपकी तरफ से प्ले कर दूं मैं? जरूर सर, होठों से छू लो तुम।